सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत में पढ़ेंगे दसवां पाठ कारक व विभक्ति परिचय, पेज नंबर 54। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर के समझिएगा। ओके बच्चों, जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट है ना, रिलेशन टू वर्ब, उसे कारक कहते हैं। जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। इस संबंध को प्रकट करने के लिए जो प्रत्यय लगाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में कारक और विभक्तियां निम्न प्रकार से हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अकारांत पुल्लिंग से देव शब्द। कर्ता है यहां पर, कारक रचना में देख लेते हैं और साथ ही अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। तो कारक विभक्ति और चिन्ह, कर्ता कारक है, विभक्ति क्या है प्रथमा में, तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, ने। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथकता अलग होने के संदर्भ में संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो। और विभक्त देख लेते इसका जो शब्द रूप है देव का, तो अकारांत पुल्लिंग शब्द में देव देव देवाह, देवम देव देवान, देवीन देवाभ्याम देवैः, देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः, देवस्य देवयोः देवानां, देवे देवयोः देवेषु, हे देव हे देव हे देवाः। अब तक पीछे आए सभी अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे, जैसे सिंह छात्र नर अश्व मृग वृक्ष वानर राम। जैसे सिंह कर लेंगे तो सिंह सिंह सिंह, उसी प्रकार राम का रामा राम और रामा। तो जो अकारांत पुल्लिंग शब्द, इससे पहले मैं आप लोगों को ग्रामर में बता चुका हूँ बच्चों क्या, कि अकारांत पुल्लिंग शब्द का जो रूप है वो क्या है, एक समान बनेंगे और उसके स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को बताया गया था किस प्रकार से जो है उसको हम याद रखेंगे। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा, देव द्विवचन में देव और बहुवचन में देवाह। द्विवचन में क्या होगा, देवो और बहुवचन देवा। और द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा, ये द्वितीय विभक्ति में देवम देवो देवान, तृतीय में देवेन देवाभ्याम देवय, चतुर्थी में देवाय देवाभ्याम देवेभ्यः, पंचमी में देवाद देवाभ्याम देवेभ्यः, षष्ठी देवस्य देवयो देवानां, सप्तमी देवे देवयो देवेषु, संबोधन हे देव हे देव हे देवाः। जैसे कि यहाँ का जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कारक क्या है, कर्ता, तो कर्ता तो देव देव ने ऐसा है ना, और इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि कारक क्या है, चिन्ह क्या है, विभक्ति क्या है। विभक्ति के अनुसार से जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि विभक्ति के अनुसार से हम किसी भी शब्द रूप को लिखते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति है तो देवा देव देवा है, और द्वितीय में देवम देव देवान हो जाएगा। इसी प्रकार से इनका रूप चेंज हो जाएगा, जैसे देव ने तो देव है ना, देवा देव को देवम, इस प्रकार से दो देव को देव, ठीक है, दो देव ने देव, इसका विरूप इस प्रकार से बनता है। जैसे देव के द्वारा, तो के द्वारा यहाँ पर देवेन, ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है सेंटेंस बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लता शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। तो इसका दिया है विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन। इसका रूप देख लेते हैं, लता लते लता लताम लते लता लतिया लताभ्याम लताभी लतायै लताभ्याम लताभ्य लताया लताभ्याम लताभ्य लताया लतियो लतानाम लतायाम लतियो लतासु हे लते हे लते हे लता। इसी प्रकार रमा अजावर्तिका छात्रा कलिका महिला कन्या बालिका आदि अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। जैसे यहाँ पर छात्रा का ले लेते तो छात्रा छात्र छात्रा छात्राम छात्र छात्रा। इस प्रकार से आप लोगों ने इस चैप्टर में जाना कारक और अकारांत पुल्लिंग शब्द अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप कैसे बनाएंगे कैसे लिखेंगे। ओके नेक्स्ट देखते हैं अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। विभक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन। तो प्रथमा में क्या हो जाएगा, फलम फले फलानी, द्वितीय में फलम फले फलानी, तृतीय फलेन फलाभ्याम फलैः, चतुर्थी विभक्ति फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः, पंचमी फलात फलाभ्याम फलेभ्यः, षष्ठी फलस्य फलियो फलानाम, सप्तमी फले फलियो फलेषु, संबोधन हे फल हे फले हे फलानी।
उसी प्रकार से कमल वन पुष्प चक्र उद्यान नेत्र पुस्तक धन पत्र चित्र आदि अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार होंगे। जैसे चक्र का तप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा, चक्र चक्रे चक्रयो चक्रेशु। उसी प्रकार पुस्तक का पंचमी क्या हो जाएगा, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से इसका रूप आप लोग समझ जाइएगा कि किस प्रकार से बनाते हैं, जैसे कि बुक में दिया हुआ है। अभ्यास कार्य देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग अभी क्या पढ़े, अकारांत पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसक लिंग शब्द, तो तीनों के तीनों पर आधारित अभ्यास कार्य है, उसको देख लेते हैं। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। तो ये किसके बारे में दिया गया है बच्चों, पुल्लिंग के बारे में। तो पुल्लिंग का आप लोगों को कारक रचना याद रहना चाहिए इसके लिए। तो चलिए देख लेते हैं, बालक का प्रथमा क्या हो जाता है, बालका, बालको, बालका। सिंह का तृतीया, तो सिंह भी क्या है, उसी के जैसा है। यदि आपको बालक का कारक रचना याद है तो आप सिंह का आराम से लिख सकते हो। क्या तृतीया में क्या होता है, बालकेन, बालकाभ्यम, बालका है। तो ये सिंह का क्या हो जाएगा, सिंहेन, सिंहाभ्यम, सिंहें। वानर का चतुर्थी, वानराय, वानराभ्यम, वानरेभ्यः। देव का देवात पंचमी क्या हो जाएगा, देवात, देवाभ्यम, देवेभ्यः। वृक्ष का सप्तमी, वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। बालक का क्या हो जाता है, बालके, बालकयो, बालकेषु। इसी प्रकार वृक्ष भी क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो वृक्षे, वृक्षयो, वृक्षेषु। नेक्स्ट दिया है स्तंभ का स्तंभ ख से मिलान करना है। बाल तृतीय विभक्ति है, विकस्य षष्ठी विभक्ति है, वृक्षात पंचमी विभक्ति है, निपेशु सप्तमी विभक्ति, देवाय चतुर्थी विभक्ति, मयूरान द्वितीय विभक्ति, बालकान होता है ना उसी प्रकार से, तो और गजानाम षष्ठी विभक्ति है। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये विभक्ति याद होना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। इससे पहले क्या किए थे, पुल्लिंग, तो अब स्त्रीलिंग शब्द का रूप जो है भर फिल कर लेते हैं ना। बालिका का प्रथमा क्या हो जाएगा, बालिका, बालिके, बालिका। उसी प्रकार अजा का द्वितीय, तो अजाम, अजे, अजाह। सूचिका पंचमी, सूचिकाया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभ्यः। कलिका षष्ठी, कलिकाया, कलिकयो, कलिकानाम। तुला का सप्तमी, तुलायाम, तुलियो, तुलासु। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट दिया है, निम्नलिखित नपुंसक लिंग शब्दों के साथ दी गई विभक्तियों के रूप रिक्त स्थानों में लिखिए। तो नपुंसक लिंग शब्द का रूप आप लोगों को पता है, पुस्तकम। प्रथमा क्या हो जाएगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। द्वितीय क्या हो जाएगा, कमलम, कमले, कमलानि, क्योंकि प्रथमा और द्वितीय क्या रहता है, नपुंसक लिंग का सेम रहता है। पत्र का तृतीय, पत्रेण, पत्राभ्यम, पत्रः। फल का पंचमी, फलात्, फलाभ्यम, फलेभ्यः। ओके बच्चों, तो इस प्रकार हो गया ये अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत नपुंसक लिंग शब्द से बैक एक्सरसाइज। अब देखते हैं निम्नलिखित शब्दों की कोष्ठक में दी गई सही विभक्ति व वचन पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो गजाए कौन सा है, तृतीय विभक्ति द्विवचन सही है क्या, नहीं है, ये तो चतुर्थी विभक्ति है इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। सभायाम तत्व विभक्ति एक वचन है, इसमें राइट करेंगे। लतायाई तृतीय विभक्ति द्विवचन रॉन्ग है। देवेन तृतीय विभक्ति एक वचन, ये क्या है, राइट है। कलिके प्रथम विभक्ति बहुवचन, ये सही है क्या, नहीं है, रॉन्ग करेंगे। कन्याम द्वितीय विभक्ति एक वचन, राइट है, इसको राइट करना है। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट यह है, शरीरस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन सही है, तो इसको सही करना है। बालात सप्तमी विभक्ति, बालात क्या है, ये सप्तमी गलत है, पंचमी है, इसलिए इसको रॉन्ग करेंगे। तो ठीक है बच्चों, ये तो रहा आपको एक्सरसाइज। क्रियाकलाप दिया है, विद्यार्थियों से विभिन्न शब्द रूपों को चार्ट बनवाकर कक्षा में सजाएं। अलग अलग छात्रों को अलग अलग देकर संधि में रूप लिखवाएं तथा कक्षा में स्वस्थ वाचन करवाएं। तो बच्चों, अभी तो ऑनलाइन स्टडी है, तो आप लोग अपने घर में इसको अच्छे से वाचन करिएगा। और इसके अलावा जो विभिन्न रूप चार्ट बनाकर कक्षा में सजाएं दिया हुआ है, तो इसको आप प्रोजेक्ट ग्रुप में बना सकते हैं। और किसी प्रकार से और डाउट होने पर आप लोग मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके।